अंधेरे तो टल गए होते, पांव आगे तो निकल गए होते, दीप सचमुच जो दीप होते तो दीप से दीप जल गए होते। ऐसे ही एक दीपक आज हमारे सामने है कि जिन्होंने कभी भी अंधेरों को अपने जीवन में हावी नहीं होने दिया, कभी भी स्याह रातों में डरना नहीं सीखा और जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बीच में सफलता की अपनी राह निकाली। आज हम यहां पर एक ऐसे सफर की यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जहां एक अदना सा व्यक्ति वह कैसे किस तरीके से अपने बुलंदी को, अपनी उम्मीदों को इतना बड़ा बनाता है कि न केवल अपने समाज के लिए बल्कि पूरे देश के लिए यह सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बनता है। आज हमारे बीच यहां इस साल सिविल सेवा में सफल मनोज कुमार हमारे बीच में उपस्थित है। पहले तो मनोज जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी स्वर्णिम सफलता के लिए। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा मनोज जी, जिस तरीके का परिवेश आपसे जो आपका रहा है और जिस तरीके से आपने अपने जीवन में तमाम तरीके की मुश्किलें देखी, बचपन से ही बहुत सी समस्याएं रही है आपके जीवन में, आखिर वो प्रेरणा क्या थी, कहां से ये आपने सोचा कि मुझे सिविल सेवा में आना है, मुझे अधिकारी बनना है, क्योंकि इस तरीके का सपना तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे परिवेश में कोई सोचेगा भी। सर जो मेरा सपना है सर थोड़ा एक कि रोचक टाइप का, थोड़ा अजीब सा। अच्छा अच्छा सर, मेरे को जो प्रेरणा सर एक मूवी से मिली, एक बॉलीवुड मूवी सर, इंडियन मूवी। तो सर मैं शायद 8 ईयर में अभी में था, मैं तो सर मैंने एक दिन मूवी देखी थी। तो सर उसमें देखता हूँ कि एक ईमानदार ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर है वो सर, की बहुत ही बड़े लेवल पे देश की रक्षा करता है और जो अपराधियों को बचाता, अपराधियों को मारता पीटता है और देश को बचाता है। तो ऐसे में मुझे लगा कि तब लगा कि मुझे सिविल सर्वेंट बन के देश सेवा करनी, तो सर वहाँ से मेरा सपना था। बहुत बढ़िया। तो आपका सपना वह एक फिल्म ने आपके सपने को बनाया जहाँ पे आपको आगे बढ़ना था। इसके अलावा ऐसी क्या आपके व्यक्तिगत अनुभव रहे अपने आसपास के और आपके घर वालों के, क्या घर वाले भी सहमत थे कि आप अधिकारी बन सकते हैं, क्या आपके रिश्तेदार, क्या आपके समाज वाले भी सहमत थे, क्या उनको लगता था कि आप अधिकारी बन पाएंगे? सर क्योंकि मेरा जैसे मैं पहले तो मैं पुलिस में था, कॉन्स्टेबल था, तो सबको ये था कि नौकरी लग गई तो ठीक है। नहीं, जब आपने यह सोचा कि मुझे आईएएस की तैयारी करना है तो आपने घर में साझा किया होगा ये बातों को? जी हाँ, मेरे मम्मी पापा और भाई से मैंने। तो क्या उनको लगता था कि ये आप कर पाएंगे? जी हाँ, मुझे पूरा भरोसा था घर वालों को, मम्मी पापा को, कि हाँ मैं कर लूंगा। अच्छा, तो आपने जब आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट की और उसके बाद जब करियर बनाने की बात आई तो फिर आपने किस दिशा में अपना रास्ता बनाया, क्या आपने किया इंटरमीडिएट के बाद? सर इंटरमीडिएट के बाद सर मैं चाह ही रहा था कि मैं ग्रेजुएशन के साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करूँ और जैसे मेरी 21-22 उम्र हो, एलिजिबल हूँ, मैं उसके साथ सिविल सर्विस में अपीयर हूँ और इसको क्लियर करूँ। लेकिन सर मैं जैसे 2007 के आसपास जैसे मेरी ग्रेजुएशन शुरू हुई तभी सर मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ खराब हो गई। अच्छा, तो सर ऐसे में सर मेरे पे जो पारिवारिक जिम्मेदारी आ गई थी और तो सर मुझे फिर एक जॉब करना बहुत जरूरी हो गया। क्या हो गया था इस 2007 के दौरान? सर इस दौरान सर मेरे पिताजी सर स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था, पिताजी जो मेरे गौरव पिताजी हैं, तो इसकी वजह से सर मुझे काम ऐसा कि मेरे घर पर आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए घर चलाने के लिए सर मुझे पैसे का कोई कोई जॉब करके पैसे कमाना जरूरी हो गया था। तो सर इसके लिए मैंने कई जगह ट्राई भी किया प्राइवेट जॉब्स में, सर वहाँ मुझे कोई नौकरी मिली नहीं। तभी सर 2007-08 में सर राजस्थान पुलिस में वैकेंसी आई थी, तो सर वहाँ मैंने थोड़ी मेहनत की और सर वहाँ पर फिर मैं एज ए कॉन्स्टेबल सेलेक्ट हो गया। और सर यहाँ पर फिर मैंने 5 साल मैंने काम किया एज ए कॉन्स्टेबल। ये तो एक बड़ी रोचक सी कहानी, आप खुद सोच सकते हैं कि अचानक जब आप कांस्टेबल बने होंगे तो अच्छा ये नहीं लगा कि अब बस सपना टूट गया, अब सपना वही रुक गया, अब शायद वो जो सोचा था वो नहीं पूरा होगा? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे था कि सर कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरी पारिवारिक परिस्थितियाँ कुछ दिनों के लिए, आपका भी दिन सही आएंगे तो मैं मेरे सपने को बाद में पूरा कर लूँगा, अभी क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परिवार को संभालूँ। तो मेरे को लगा कि कुछ दिनों के लिए काम करता हूँ, जैसे परिवार की स्थितियाँ ठीक होंगी तो उसके बाद में मैं इसके लिए कर लूँगा, प्रयास कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी समय भी है। तो सर मैंने वहाँ सर जैसे 4-5 साल हो गए धीरे धीरे समय गुजरा, तो सर मुझे फिर थोड़ी सी टेंशन सी होने लगी थी कि शायद मैं इससे बाहर निकल ही ना पाऊँ। अच्छा, आप पुलिस विभाग में थे कांस्टेबल पद पे, पुलिस विभाग में सबसे शीर्ष पद की चाहत रखने वाला व्यक्ति एक कांस्टेबल बना हुआ था, कैसा अनुभव लगा आपको? आज आप सफल हैं जी। और उन 5 सालों में जब आप पुलिस कांस्टेबल थे और जबकि आपकी आपका सपना था आईपीएस बनना, आपका सपना था अधिकारी बनना, उस दौरान जब आप कांस्टेबल थे तो आपके बड़े अधिकारियों का आपके साथ बर्ताव और आपका खुद क्या ऐसे क्या अनुभव रहे, आपको उस दौरान क्या ऐसा लगा कि मैं आगे जो है अधिकारी बनूंगा या क्या करूंगा? सर पुलिस के दौरान सर मुझे
दोनों तरह के अनुभव सर, अच्छे अनुभव भी है तो सर बुरे अनुभव। अच्छे अनुभव में सर ये था कि सर मेरा जीवन सुधर गया सर, मुझे मान सम्मान भी मिला, तो ये सर यहाँ से। और सर और जैसे सर कुछ जैसे खट्टे अनुभव की बात करें तो सर वहाँ पर कि बहुत वर्कलोड था और सर छुट्टियाँ टाइम पर नहीं मिल पाती थी और सर पुलिस की सर ये, तो सर मैं थोड़ा कई बार टेंशन में भी तनाव सा भी रहता था कि मैं पुलिस में ना रह जाऊँ। तो एक मेरा सपना भी था साथ में कि मेरे भाई सिविल सर्विस भी करनी है, लेकिन उसके लिए मेरे टाइम भी नहीं मिल पाता था। तो सर दोनों तरह के अनुभव थे कि एक तरह से अच्छा भी लग रहा था लेकिन मजबूरी भी थी कि मैं तो अच्छा इसलिए लग रहा था कि उस समाज के हिसाब से पहचान मिल रही थी, प्रतिष्ठा मिल रही थी। बुरा इसलिए लग रहा था कि अब इससे आगे बढ़ भी पाऊंगा या नहीं, बढ़ भी पाऊंगा। अच्छा, फिर अचानक फैसला आपने लिया कि पुलिस कांस्टेबल की नौकरी छोड़ दी, ऐसा क्या हुआ, क्यों आपने पुलिस कांस्टेबल की नौकरी अचानक छोड़ दी? सर क्योंकि 4-5 साल हो गए सर मुझे, और मेरे को सर पुलिस में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि सर 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो ऐसे में सर मैं वहाँ पर रहकर बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तो सर तभी एक लोअर जुडिशियरी में सर एनलिस की वैकेंसी आई थी, तो मुझे लगा कि मैं ऑफिस टाइम पर ड्यूटी करूँगा तो ऑफिस टाइम के बाद में घर पर जाकर पढ़ सकता हूँ। इसलिए सर मैंने वो पुलिस की जॉब छोड़ी और ये एनलिस ज्वाइन की, ताकि मैं जो सपना है मेरा यहाँ से उसमें आगे बढ़ा सकूँ। मनोज जी, 2008 से 2013 तक आप पुलिस कांस्टेबल के पद पर, 2013 में आपने फैसला लिया, आपने पुलिस कांस्टेबल का पद छोड़ा, एलडीसी में को आपने ज्वाइन किया, एक साल आप एलडीसी में भी रहे, पर 2014 में फिर आपने 2014 के बाद आपने क्या सोचा कि तैयारी करने की तरफ आप फिर मूव आए, जो पुराना सपना था, या कुछ और आपने किया? सर मैं यहाँ 2014 के बाद सर तैयारी करने के लिए आ गया मैं, लेकिन सर इसके साथ मैंने एक विकल्प भी, मैंने सर विकल्प की भी तलाश जारी रखी, तो इसलिए मैंने सर 2014 में नेट जा रख दिया, ताकि यदि मैं एक मेरे पास एक विकल्प रहे। और 2014 दिसंबर में सर मेरा जी आर एफ हो गया था, तो इसके बाद सर मैंने यहाँ पे 15 में सर पीएचडी में एनरोल किया अपने आप को, तो साथ ही सर 2015 में मेरा सीपीएफ हो गया था, असिस्टेंट कमांडेंट सी ऐसा मिला था मुझे। बहुत बढ़िया। तो अच्छा, आप सीपीएफ और सीपीएफ को फिर आपने ज्वाइन किया ट्रेनिंग वगैरह? नहीं सर, मैं सीपीएफ को ज्वाइन नहीं कर पाया, कुछ दिन पहले मेरी ज्वाइनिंग आई थी, तो सर तब सर मेरे पास एक संकट हो गया था ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि वही सिचुएशन आ गई थी कि मैं इधर माइस में सिलेक्ट हुआ नहीं था। तो तब सर काफ़ी सोच विचार किए, फिर मैंने फैसला किया कि नहीं मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले एक फैसला लिया था 3 साल पहले कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, और यदि मैं फिर सीपीएफ में चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अनुभव पहले मैं ट्रेनिंग कर चुका था पुलिस कांस्टेबल की, तो मुझे पता था कि यदि मैं सीपीएफ में जाता हूँ, एसी में जाता हूँ, तो यहाँ भी मेरे को 1.5-1.5 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और फिर शायद मेरा सिविल सर्विसेज सपना सपना रह जाए। तो सर फिर मैंने उसको ड्रॉप करना ही ज़्यादा उचित समझा, और सोचा कि मैं केवल सिविल सर्विसेज और सपना उसी फोकस्ड रहूँ। और सर दूसरा सर अभी मैं जैसे रिसर्च कर रहा हूँ, पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो सर तो मैंने सोचा कि यहीं पर रहते हैं। तो आप पीएचडी, फिर जब आपको सिविल सेवा में ही जाना था, तो पीएचडी की तरफ क्यों मूव कर रहे थे? सर उसकी एक ही वजह थी पीएचडी की, क्योंकि सर मैं 25-26 साल का था सब जब मैं जॉब छोड़ के आया था, तो सर ऐसे में मेरे पास यही पता नहीं था कि मैं आईएएस बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि सर सिविल सर्विसेज ऐसी एग्जाम में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो सर मैं चाह रहा था कि मैं एक पीछे मेरा करियर एक विकल्प रखूँ, और क्योंकि सर मेरा 2014 में नेट जा रहा हो गया था, तो सर जा रहा का मतलब था कि यदि मैं पीएचडी एम फिर मैं एनरोल करता हूँ खुद, तो मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से सर फेलोशिप मिलेगी और मैं सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊंगा। तो सर मैं सेल्फ डिपेंडेंट के लिए मैंने इसको एक्स्ट्रा थोड़ी अलग मेहनत ज़्यादा मेहनत की, और मैंने पीएचडी चुना ताकि पीएचडी मैं करता रहूँगा तो मुझे कुछ फेलोशिप मिलती रहेगी, और इससे मेरे को जो वित्तीय आर्थिक स्थिति मेरी मजबूत बनी रहेगी, मुझे वित्तीय निर्भरता खत्म हो जाएगी, जिससे कि यदि मैं सिविल सर्विसेज में साल भर में नहीं सफल हो पाया तो मुझे और भी टाइम मिल जाएगा, मैं फैसला ले सकूँगा। इसलिए सर मैंने पीएचडी शुरू की, और फिर फाइनली आपको सफलता मिली भी। अच्छा मनोज जी, पुलिस कांस्टेबल आप कब से कब तक रहे, और फिर आप एलडीसी कब से कब तक रहे? सर मैं पुलिस कांस्टेबल सर 2008 से 2013 तक सर 5 साल मैंने यहाँ नौकरी की, और सर फिर 2013 से 2014 तक सर 1 साल में एलडीसी रहा। तो सर इसके बाद 2014 में सर मैंने ये एलडीसी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि सर यहाँ आते आते सर मेरी पारिवारिक स्थिति सर ठीक हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर मेरा छोटा भाई था सर, उसकी जॉब सरकारी जॉब लग गई थी, तो मुझे लगा कि छोटा भाई नौकरी लग गया है तो वो मेरे परिवार को संभाल सकता है, पैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर फिर मैंने इसके बाद मेरे घर वालों से बात की, मम्मी पापा भाई बहन सभी से, कि मुझे आई इसकी तैयारी करना है, मेरा सपना है। तो घर वालों ने कहा कि कोई नहीं, और सर इसमें विशेषतः मेरी मम्मी का ज़्यादा मम्मी का सपोर्ट रहा, कोई नहीं कर ले हम तेरे साथ है। मैंने यहाँ पर मम्मी को कहा कि मम्मी देख कि मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, आज 6 साल हो गई, और कल को इतनी बड़ी एग्जाम है, पता नहीं कब तो नौकरी लगे, कर शायद ना भी लगे, शायद इसके बाद कभी नौकरी भी ना लगे, बहुत बड़ी रिस्क है। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं, तो कर देखा जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो सर वहाँ से फिर परिवार वालों का सपोर्ट रहा, परिवार वालों ने मेरे मम्मी पापा भाई बहन ने कहा कि ठीक है जाए,
लेकिन आप बताते हैं कि आपके बहुत से रिश्तेदारों ने जब ये फैसले को सुना, अगर बहुत से लोगों ने सुना, समाज में बहुत से लोगों ने सुना, तो उनको लगा कि ये पागलपन वाला फैसला है। शायद उनको यह लगता ही नहीं था कि कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी छोड़ के फिर से किसी नौकरी की तलाश में तैयारी करेगा। क्योंकि सर मेरा जो मैं ग्रामीण जो मेरी पृष्ठभूमि रही है सर, वहाँ पर कोई अभी मेरे समाज में मेरे रिश्तेदारों में कोई बड़े लेवल पर नहीं पहुँचा है, तो उन्हें सर लगता नहीं, उनको ये लगता है कि कोई कलेक्टर तो शायद आसमान से उतर के आते हैं, कलेक्टर बनना इतना आसान नहीं। तो जब मैंने फैसला किया तो उन लोगों को पता चला, तो कईयों ने कमेंट्स किए कि ये तो पागल हो गया, आईएएस बना ऐसे ही किया, इतना आसान है क्या, ये ऐसे कमेंट्स किए। लेकिन सर मैं और मेरा परिवार पहले से सर तो हमने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, हमने मैंने इस चीज़ों को ध्यान नहीं दिया कि कौन मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, क्या नहीं करना, क्या कर रहा है। तो सर मैंने हमेशा मैं सोचा कि मेरे को टारगेट जो मेरा है, जो सपना, उसके लिए प्रयास करना है, सफल हूँ या ना हूँ मेरे को इसके लिए मेहनत करनी है, ताकि कल को सर मुझे किसी बात का खेद ना रहे कि मैंने तैयारी काश तैयारी की होती तो मैं भी बन गया होता। इसलिए सर फिर मैं वहाँ से गाँव से दिल्ली आ गया, और दिल्ली में सर मैंने अभी 3-4 साल अच्छी मेहनत की, और सर आज उसी का नतीजा है कि मैं पुलिस कांस्टेबल से आईपीएस सिविल सर्विसेज का सर हिस्सा बन गया हूं। ठीक है, आपने इस साल अपनी तैयारी जो की थी उसमें ऐसा क्या खास पहलू रहा इस तैयारी के दौरान, ऐसे क्या क्या आपने काम किए कि जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक ले आए हैं? सर इस जो सर मैं इससे पहले 2014-15-16 में सर मैंने मेंस दिए थे, और सर मैं 16 में सर इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन सर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैंने सर मेरी जो क्या कमियां रही मैंने उनका सर मूल्यांकन किया, मैंने उनको ढूंढा, मैंने देखा सर पिछले साल मेरा सर ऐसे पेपर थोड़ा ख़राब हो गया था, और सर एक जीएस पेपर थोड़ा ख़राब था, तो सर मैंने उन पर अच्छे से वर्क किया, तो सर वहाँ पर मैंने काम किया, तो मुझे लगता है सर उन चीज़ों को मुझे यहाँ बेनिफिट मिला। और इसी के साथ सर मेरे जैसे और पहले सर साथी कम थे, लेकिन 2016 में सर मुझे नए साथी मिले, मुझे सर आईएएस का साथ मिला, इसमें सर जैसे हमारे विनय सर, विनीत सर का साथ मिला, और सर मेरे कुछ दोस्त लोग श्री शिव सिंह जी और सर अनिरुद्ध जी सर एक मेरे दोस्त राकेश यादव, इस तरह से कई लोगों का मुझे साथ मिला, तो जिससे कि सर मेरी यात्रा जो सफर था सर थोड़ा और स्मूथ हो गया, और मुझे सहायता सफलता मुझे सहायता मिली। अच्छा, अभी इस पूरी जर्नी के दौरान यहाँ पर आपने देखा होगा कि तमाम तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए तैयारी के दौरान। आप अगर अपने आप से पूछें कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिन्हें तैयारी के दौरान आपको करनी ही चाहिए थी जो आप नहीं कर पाए, और ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो नहीं करनी चाहिए थी, जो आज के नए लड़कों को भी नहीं करनी चाहिए? तैयारी के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? There is any do's and don'ts. सर मुझे लगता है सर तैयारी के दौरान हमें फोकस्ड रहना चाहिए, टारगेट के बरतते कि हमारा क्या टारगेट है, टारगेट सर जो भी चीज़ें हम डिबेट करें सर दूर करें सर उनसे बच के रहना चाहिए। जैसे आज की दुनिया में सब देख रहे हैं सर टेक्नोलॉजी की दुनिया, सर मोबाइल है, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, तो सर वहाँ पर हम पता नहीं लगता कि कब टाइम निकल गया, तो सर मैंने इन चीज़ों को अवॉइड किया, थोड़ा इनसे बच के रहा कि फालतू टाइम वेस्ट ना हो। और सर और जो मेरा और जो मेरा सिलेबस था सर ओरिएंटेड होके मैं सर एक फोकस्ड रह के मैंने तैयारी की। सर यही है कि आज के लिए यदि हम सिविल सर्विस तैयारी करना चाह रहे हैं तो फोकस्ड रहो और टारगेट के प्रति पूरा ईमानदार रहो और पूरी मेहनत से लग जाओ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो जिस तरीके का पैटर्न चेंज हो रहा है सिविल सर्विसेज का, वहाँ पर अब नया बदलाव क्या लाना चाहिए स्टूडेंट को अपनी तैयारी के दौरान, ऐसा क्या करना चाहिए जो अब बहुत ज़रूरी हो गया, जो पहले वैसा नहीं था? सर आप नया ट्रेंड जो वर्तमान जो यूपीएससी का पैटर्न देख रहे हैं सर, उसमें ये मेंस के पेपर हैं उसमें सर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं वो 200-200 शब्दों के, तो सर वहाँ पे यूपीएससी वो भी सर 3 घंटे में, सर यूपीएससी ऐसे में कई क्वालिटी चेक कर रहा है स्टूडेंट्स की, एक तो कि प्रेशर को मैनेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, दूसरा सर स्पीड भी हो है कि नहीं, तीसरा सर कम समय में कितना सोच पा रहे, कितने मल्टी डायमेंशन को कवर कर पा रहे हैं, तो ऐसे में सर व्यक्ति को अपनी अप्रोच बदलनी होगी, और उसको सर क्या है एक तो तत्काल जैसे तत्काल रूप से डिसीजन लेने और मल्टी डायमेंशनल होने इन चीज़ों को सर पकड़ना होगा, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को धारदार बनाना होगा। अच्छा, जब आपको अब इस बार सफलता के बारे में सूचना मिली कि अब आप सफल हो गए, पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या थी? सर पहली प्रतिक्रिया सर मैंने भगवान जी को धन्यवाद कहा, और सर उसके बाद सबसे पहले मैंने घर पर कॉल किया तो मैंने भाई को कहा मम्मी से बात करा, सबसे पहले मैंने कहा मम्मी की तेरा बेटा सफल हो गया ये सब गया, उधर से माँ की आवाज क्या थी? मैं सुना क्या बात तो कि वो एक भगवान की बड़ा भगवान होगा आपके आपके परिवार के लिए। हाँ,
अभी जब से आप सिलेक्शन आपको मिला है, आप अपने गांव गए कि नहीं? नहीं सर, अभी तक मैं नहीं गया। अब आपको ऐसा, अब आप एक उदाहरण है, अब आप अपने समाज, अपने समुदाय, देश के लिए आप एक उदाहरण है, बहुत से लोगों के लिए उदाहरण है। आगे भविष्य के बारे में आपकी योजना क्या है, आपने क्या सोचा है कि आप अपने जीवन में एक उपलब्धि तो हासिल कर लीजिए, आगे आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं सिविल सर्विसेज का पार्ट बन ही गया हूँ, तो सर यहाँ पे मेरा सबसे एक जो प्रायोरिटी के कुछ एरियाज हो, सर सबसे पहला सर मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सर काम करूँ, क्योंकि सर मैं ग्रामीण क्षेत्र से रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि वुमेन्स को सर क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है। जैसे मेरे राजस्थान में देखता हूँ सर, वहाँ घूमट पड़ता भी है सर, बाल विवाह भी है, और सर परिवार में सर उनको इतना मान सम्मान भी नहीं है, क्योंकि वो परिवार के फैसलों में सर पूरी भागीदारी नहीं कर पाती। तो सर और कई तरह की सर अत्याचारिक घटनाएं भी होती है महिलाओं के खिलाफ। तो सर मैं पहले तो फर्स्ट तौर पर वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कार्य करूँगा। दूसरा सर जो प्रशासन है वो देखता हूँ, प्रशासन और आम जन के मध्य सर एक कम्युनिकेशन गैप है, तो सर मैं इस कम्युनिकेशन गैप को दूर करूँगा और सर प्रशासन को पीपल फ्रेंडली बनाना चाहूँगा, ताकि जो हमारा ये आम लोगों में धारणा है कि प्रशासन है बड़े जो ऊँचे अधिकारी है वो गरीब लोगों के काम की नहीं सुनते, बड़े लोगों की सुनते हैं, हमारे नहीं सुनते, तो ये पूर्व जीवन की पूर्वाग्रह ये दूर हो सके, और जो भी हमारे सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जो भी जनकल्याण, ताकि एक जनकल्याण पूरा हो, भारत का एक जो भारत का सपना है जो देखा है, भारत का सपना, हाँ बिल्कुल, उसको आप पूरा करना चाहते हैं। बहुत नेक विचार, बहुत उच्च विचार, ऐसे ही नेक और ऊंचे विचार इस देश और इस समाज को अब जरूरत है। आज 21वीं सदी में जब हम ऐसे अधिकारियों की बात करते हैं, ऐसे शख्स की बात करते हैं, तो आशा जगती है कि हाँ 21वीं सदी अगर किसी ने कहा है कि भारत का होगा, तो शायद ऐसे ही उदाहरणों के जरिए होगा, शायद ऐसे ही शख्स इस देश और समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। इस स्वर्णिम सफलता के लिए, इस बेहतरीन सफलता के लिए एक बार फिर से DIIS परिवार की तरफ से मनोज जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और हमें आशा है कि आप अपने भविष्य में निसंदेह जो आपके मूल्य, जो आपके सिद्धांत हैं, आप उनको बनाए रखेंगे और बेहतर से बेहतर काम करेंगे। धन्यवाद जी सर, आपको धन्यवाद।